नमस्कार, मैं राज किशोर बिष्ट फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी की इस लेक्चर सीरीज के इस लेक्चर में हम डिटर्मिनिस्टिक तथा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। सर्वप्रथम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में सीखेंगे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अर्थात DFA के बारे में सीखेंगे, लैंग्वेजेस के लिए DFA डिज़ाइन करना सीखेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा अर्थात NFA के बारे में सीखेंगे, लैंग्वेजेस के लिए NFA डिज़ाइन करना सीखेंगे, अंत में DFA तथा NFA द्वारा एक्सेप्ट की जाने वाली लैंग्वेजेस के बारे में सीखेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटन डिजिटल कंप्यूटर का एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो किसी दिए हुए अल्फाबेट एम लैंग्वेज के लिए यह निर्णय देता है कि कोई स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में है अथवा नहीं। इसमें सीमित संख्या में स्टेट्स होती हैं। फाइनाइट ऑटोमेटन में मुख्यतः तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इनपुट टेप, यह एक इनपुट फाइल है जो कि सेल्स में विभाजित होती है। एक सेल एक ही सिंबल को रख सकता है। हम यह मान लेते हैं कि इनपुट दिए गए अल्फाबेट की एक स्ट्रिंग है जो कि टेप में बाएं से दाएं की तरफ लिखी गई है। दूसरा रीडिंग हेड, यह स्ट्रिंग को रीड करने का काम करता है। एक टाइम पर एक सिंबल को रीड करते हुए दाएं तरफ को चलता है। तीसरा कंट्रोल यूनिट, यह निर्धारित करता है कि ऑटोमेटन किसी समय में किस स्टेट में रहेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का निर्धारण ट्रांजिशन फंक्शन द्वारा होता है। यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम फाइनाइट ऑटोमेटन की स्कीम को प्रदर्शित करता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटन। फाइनाइट ऑटोमेटन को डायग्राम के माध्यम से दिखाने के लिए किसी स्टेट को हम सर्कल से दिखाते हैं। प्रारंभिक स्टेट को सर्कल तथा उसमें लगे एक एरो से दिखाते हैं। फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से दिखाते हैं। कोई दो स्टेट्स Q1 तथा Q2 के बीच में किसी सिंबल A के लिए ट्रांजिशन को दोनों स्टेट्स के बीच में एक डायरेक्शन के साथ एरो तथा सिंबल A की सहायता से दिखाते हैं। वर्किंग ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटन। प्रारंभ में हम यह मान लेते हैं कि ऑटोमेटन प्रारंभिक स्टेट में है। यह एक समय में बाएं से दाएं और एक सिंबल अथवा लेटर को पढ़ता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना ट्रांजिशन फंक्शन द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्ट्रिंग को पढ़ने के बाद अगर ऑटोमेटन फाइनल स्टेट में है तो स्ट्रिंग को स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा स्ट्रिंग को अस्वीकार कर दिया जाता है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन एक फाइनाइट स्टेट मशीन है जिसमें हर एक इनपुट स्टेट तथा सिंबल के लिए किसी स्टेट में केवल एक ही ट्रांजिशन दिखाया गया होता है। औपचारिक रूप से DFA को हम 5 एलिमेंट्स के सेट MD=Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0, F के रूप में दिखाते हैं, जहां Q स्टेट्स का सेट है, सिग्मा अल्फाबेट को, डेल्टा क्यू क्रॉस सिग्मा से क्यू में ट्रांजिशन फंक्शन को, Q0 प्रारंभिक स्टेट को तथा F फाइनल स्टेट्स की सेट्स को दिखाता है। LMD ऑटोमेटन MD द्वारा एक्सेप्ट की जाने वाली लैंग्वेज होगी। किसी स्ट्रिंग W को प्रोसेस करने के लिए हम जनरलाइज ट्रांजिशन फंक्शन का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार से डिफाइन होता है। यदि W=A1, A2, up to AN हो, जहां A1 से लेकर AN सभी सिग्मा के सिंबल्स हों, तो डेल्टा स्टार Q0
कॉमा ए वन ए टू अप टू ए एन इक्वल टू डेल्टा स्टार डेल्टा क्यू जीरो ए वन कॉमा ए टू अप टू ए एन तथा डेल्टा स्टार क्यू जीरो कॉमा लैम्डा इक्वल टू क्यू जीरो होगा। यह एक रिकर्सिव डेफिनेशन है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से फाइनाइट ऑटोमेटन डिजाइन करना सीखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं जिसमें सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी दिया गया है तथा हमें ए से प्रारंभ होने वाली स्ट्रिंग्स के लिए डीएफए बनानी है। सर्वप्रथम हम प्रारंभिक स्टेट से सिंबल ए के लिए ट्रांजिशन नई स्टेट क्यू वन में दिखाते हैं, क्योंकि केवल एक ए भी इस लैंग्वेज की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, अतः स्टेट क्यू वन को हम फाइनल स्टेट बनाते हैं। स्टेप वन में इसे देखें। प्रारंभिक स्टेट से बी आने पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, अतः स्ट्रिंग बी से प्रारंभ होने पर हम ट्रांजिशन एक अलग स्टेट क्यू टू पर दिखाएंगे, जहां से यह कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सके। इसे डेड स्टेट भी कहते हैं, अर्थात इससे सभी सिंबल के लिए ट्रांजिशन इसी स्टेट में दिखाए जाएंगे। इसे आप स्टेप टू में देख सकते हैं। एक ए आने के बाद ए अथवा बी कुछ भी आने पर बनने वाली सभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, अतः स्टेट क्यू वन से ए तथा बी के लिए हम ट्रांजिशन इसी स्टेट में दिखाएंगे। इसे आप स्टेप थ्री में देख सकते हैं। क्योंकि हर एक स्टेट तथा हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन डिफाइन किया गया है, अतः स्टेप थ्री में दिखाया गया डायग्राम दी हुई लैंग्वेज के लिए डीएफए को प्रदर्शित करता है। हम ट्रांजिशंस को टेबल के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जिसमें बाएं तरफ का कॉलम वर्तमान स्टेट को प्रदर्शित कर रहा है तथा दाएं तरफ का कॉलम प्रत्येक इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप दिए गए उदाहरण के लिए ट्रांजिशन टेबल देख रहे हैं। अब हम W इक्वल टू ए बी बी ए की प्रोसेसिंग देखते हैं। क्योंकि Q0 तथा A के लिए ट्रांजिशन Q1 में डिफाइन है, अतः डेल्टा स्टार Q0 A B B A इक्वल टू डेल्टा स्टार Q1 B B A होगा। Q1 से A अथवा B के लिए ट्रांजिशंस Q1 में ही डिफाइन है, अतः कोई भी सिंबल आने पर ट्रांजिशन स्टेट Q1 ही रहेगी। क्योंकि स्टेट Q1 एक फाइनल स्टेट है, अतः यह स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में होगी। अब हम W इक्वल टू बी ए ए ए की प्रोसेसिंग देखते हैं। क्योंकि Q0 तथा B के लिए ट्रांजिशन Q2 में डिफाइन है, अतः डेल्टा स्टार Q0 कॉमा बी ए ए ए इक्वल टू डेल्टा स्टार Q2 A A A होगा। Q2 से A अथवा B के लिए ट्रांजिशन Q2 में ही डिफाइन है, अतः कोई भी सिंबल आने पर ट्रांजिशन स्टेट Q2 ही रहेगी। क्योंकि स्टेट Q2 एक फाइनल स्टेट नहीं है, अतः यह स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में नहीं है। इस प्रकार हम किसी भी स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी दिया गया है तथा हमें ए से प्रारंभ होने वाली तथा बी से समाप्त होने वाली सभी स्ट्रिंग्स के लिए डीएफए बनानी है। क्योंकि स्ट्रिंग ए से प्रारंभ होनी चाहिए, अतः सर्वप्रथम हम प्रारंभिक स्टेट से सिंबल ए के लिए ट्रांजिशन नई स्टेट क्यू वन में दिखाते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग बी से प्रारंभ नहीं हो सकती, अतः क्यू जीरो से बी आने पर ट्रांजिशन एक नई स्टेट Q2 में दिखाएंगे, जो कि एक डेड स्टेट होगी। अर्थात Q2 से A तथा B के लिए ट्रांजिशन Q2 में ही होंगे। स्टेप वन में आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग B से समाप्त होनी चाहिए, अतः हम Q1 स्टेट से सिंबल B के लिए ट्रांजिशन नई स्टेट Q3 में दिखाते हैं। क्योंकि ए बी सबसे छोटी स्ट्रिंग है, जो कि ए से प्रारंभ तथा बी से समाप्त होती है, अतः Q3 को हम फाइनल स्टेट बनाएंगे।
स्टेप टू में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि एक बार ए आने के बाद बी से पहले ए कई बार आ सकता है, अतः क्यू वन से हम ए के लिए ट्रांजिशन क्यू वन में ही दिखाएंगे तथा अंत में बी कई बार आ सकता है, अतः क्यू थ्री से हम बी के लिए ट्रांजिशन क्यू थ्री में ही दिखाएंगे। इसे आप स्टेप थ्री में देख सकते हैं। क्यू थ्री से पुनः ए की कोई सीक्वेंस आ सकती है जो बी से समाप्त होती हो, अतः क्यू थ्री से ए के लिए ट्रांजिशन क्यू वन में दिखाएंगे, क्योंकि सभी स्टेट्स से हर एक इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन अब डिफाइन हो चुका है, अतः स्टेप फोर में दिखाया गया ट्रांजिशन डायग्राम दी हुई लैंग्वेज के लिए डीएफए को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप दिए गए उदाहरण के लिए ट्रांजिशन टेबल देख रहे हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन एक फाइनाइट स्टेट मशीन है जिसमें किसी इनपुट स्टेट तथा सिंबल के लिए एक से अधिक ट्रांजिशन संभव होते हैं। औपचारिक रूप से एनएफए को हम पांच एलिमेंट्स के सेट MN इक्वल टू क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू जीरो एफ के रूप में दिखाते हैं, जहां क्यू स्टेट्स के सेट को, सिग्मा अल्फाबेट को, डेल्टा क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन लैम्डा से पावर सेट क्यू में ट्रांजिशन फंक्शन को, क्यू जीरो प्रारंभिक स्टेट को तथा एफ फाइनल स्टेट्स की सेट को दिखाता है। LMN ऑटोमेटन MN द्वारा एक्सेप्ट की जाने वाली लैंग्वेज होगी। NFA में जहां कई स्टेट्स में ट्रांजिशन संभव है, हम एक स्टेट के साथ शुरू करते हैं और यह जांचने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या दिए गए स्ट्रिंग को स्वीकार किया गया है या नहीं। स्ट्रिंग एक्सेप्ट न होने की स्थिति में हम पीछे की ओर पुरानी स्टेट में जाते हैं और अन्य विकल्प तलाशते हैं। इस प्रक्रिया को बैक ट्रैकिंग कहा जाता है। किसी एक भी ट्रांजिशन पाथ से पूरी स्ट्रिंग रीड होने पर यदि ऑटोमेटन फाइनल स्टेट में होती है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, अन्यथा नहीं होती है। डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनएफए। डीएफए में किसी स्टेट तथा इनपुट सिंबल के लिए एक ही स्टेट में ट्रांजिशन डिफाइन होता है, जबकि एनएफए में ट्रांजिशन स्टेट के पावर सेट में डिफाइन होता है, अर्थात किसी स्टेट तथा इनपुट सिंबल के लिए कोई भी ट्रांजिशन डिफाइन नहीं हो सकता है अथवा एक से अधिक स्टेट्स में ट्रांजिशन डिफाइन हो सकता है। एनएफए में बिना कोई इनपुट सिंबल के भी ट्रांजिशन संभव है, जिसे हम लैम्डा ट्रांजिशन कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी दिया है तथा हमें एल इक्वल टू ए ए बी बी ए ए बी के लिए एनएफए बनानी है। यहाँ पर दी की लैंग्वेज फाइनाइट है जिसमें केवल तीन ही स्ट्रिंग्स हैं, क्योंकि एनएफए में हमें हर एक इनपुट सिंबल तथा स्टेट के लिए ट्रांजिशन दिखाना आवश्यक नहीं है, अतः हम प्रारंभिक स्टेट से तीन अलग अलग सिक्वेंस के द्वारा सीक्वेंस में दिए गए प्रत्येक सिंबल को रीड करते हुए अंत में फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं। दी हुई लैंग्वेज के लिए दिखाया गया ट्रांजिशन डायग्राम एनएफए को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप दिए गए उदाहरण के लिए ट्रांजिशन टेबल देख रहे हैं। यहाँ पर क्यू वन के लिए दो आउटपुट ट्रांजिशन स्टेट्स दी गई हैं तथा कई जगह ट्रांजिशन स्टेट्स नहीं दिखाई गई हैं, जो कि डीएफए में संभव नहीं है। यदि हम डीएफए के पुराने उदाहरणों को देखें तो डीएफए बनाने से पूर्व हमने विभिन्न स्टेप्स में अलग अलग एनएफए ही बनाई थी। उपरोक्त उदाहरण में यदि हम दिखाए गए तरीके से लैम्डा ट्रांजिशन को जोड़ दें तो यह एल इक्वल टू लैम्डा ए ए बी बी ए ए बी को एक्सेप्ट करेगा। हालांकि डीएफए और एनएफए की परिभाषाओं में कुछ अंतर है, फिर भी औपचारिक सिद्धांत में यह दिखाया जा सकता है कि वे समान हैं। किसी भी एनएफए के लिए एक समकक्ष डीएफए अथवा इसके विपरीत किसी भी डीएफए के लिए एक समकक्ष एनएफए का निर्माण
किया जा सकता है। DFA या NFA द्वारा एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेजेज को रेगुलर लैंग्वेजेज कहा जाता है। इस लेक्चर में हमने DFA और NFA के बारे में सीखा, उनकी औपचारिक परिभाषाएं सीखी तथा किसी दी हुई लैंग्वेज के लिए DFA और NFA को डिजाइन करना सीखा। अगले लेक्चर में हम NFA से DFA में रूपांतरण या कन्वर्जन करना सीखेंगे। धन्यवाद।